दोस्तों, पीरियड में पेट और कमर में दर्द होना एक आम बात है। कभी कभार हैवी ब्लीडिंग भी होती है, पर ये अगर बार बार हो तो इस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर बार ज्यादा रक्त गिरना कई और बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो खून की कमी हो सकती है, जो कि एनीमिया का रूप ले सकती है। 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होना, अधिक रक्त श्राव, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब हैवी ब्लीडिंग के लक्षण हैं। अब जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए अगर आप गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन करती हैं तो, या फिर प्रेगनेंसी में मिसकैरेज या अन्य कोई समस्या होना इसका कारण हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा यूट्रस, ओवरी या वजाइना का कैंसर होने पर भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग को रोकने के उपायों के बारे में। पहला घरेलू नुस्खा है बर्फ से सिकाई करना। पीरियड्स में बार बार ब्लीडिंग आने पर बर्फ से सिकाई करें। इससे बॉडी के तापमान में बदलाव आता है, जिससे ब्लड सेल्स में सिकुड़न आती है, जिससे हैवी ब्लीडिंग में कमी आती है। ये ना सिर्फ खून के बहाव को रोकता है बल्कि पेट दर्द में भी राहत देता है। दूसरा उपाय है धनिये के बीज। पीरियड में ज्यादा खून का बहाव रोकने के लिए धनिये के बीज बहुत काम के हैं। आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिये के बीज डालने हैं और इसे तब तक उबालना है जब तक पानी आधा न रह जाए। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसका सेवन करें। पीरियड्स के दिनों में 2 से 3 बार इसका सेवन करने से हैवी ब्लीडिंग में फायदा नजर आता है। अगला नुस्खा है सेब का सिरका। यह आपके शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है, जिससे आपके हार्मोन्स ठीक रहते हैं और ब्लीडिंग में कमी आती है। आप 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच सिरका डालें और इसे पी लें। बेहतर रिजल्ट के लिए दिन में 3 बार इसका सेवन करें। इसके अलावा आप आयरन युक्त डाइट लें, गर्म पानी से स्नान करें, कमर के निचले भाग पर हल्के गर्म ऑयल से मसाज करें और रात को अच्छी नींद लें। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।